शर्मा ईआरसीपी को लेकर आभार सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल शर्मा की आभार सभाओं पर बड़ा हमला बोला है। वहीं गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया की ऐतिहासिक यात्रा है। सुनिए, ईआरसीपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पूरे राजस्थान को धोखा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हितों में रक्षा की गई है, वहाँ बांध बन रहे हैं, उनका लाभ मिल रहा है। धोखा हुआ राजस्थान के सारे दिल्ली के अंदर जो डीपीआर बने थे राजस्थान के अंदर, अब नया नाम दे करके आभार यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम बकवास है, धोखा है। यात्रा तो ऐतिहासिक है, पूरे विश्व के अंदर ऐसी यात्रा निकाली होगी। महारोड यात्रा थी पहले, महारोड न्याय यात्रा है। जिस रूप में राहुल गांधी ने मैसेज दिया है, जिस रूप से निकल रहे हैं, वो तो एक रूट है, पर पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर उसका मैसेज है कि राहुल गांधी कहते क्या है, उनका थीम क्या है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। शोर खराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। राजनीति के चाणक्य। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी है। सियासत के शहंशाह। तुमको मारा जाता है वो चाणक्य है, लेकिन अमित शाह का एक और चेहरा है, वो है फैक्ट्स और फिगर्स वाला। प्रखर राष्ट्रवादी। 2024 में अगर मोदी और शाह की जोड़ी वापस आई, महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। अनन्य आध्यात्मिक। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। यूथ से बूथ तक, जोड़ने जीतने में माहिर। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डू डील्स ओनली फोर्थ वॉज द मस्कुलर जीरो टॉलरेंस। सियासत के बाजीगर। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। व्यक्ति विशेष अमित शाह, रात 7:56 पर।